2 साल बाद यहाँ पर कोमल आती है दुआन की कब्र पे। कोमल कहती है, बाबा देखें मैं अपने साथ एंदोष को लेके आई हूँ। मुझे पता, अगर आपको एंदोष का पता होता तो आप उसके साथ बहुत ज्यादा खेलते। एंदोष देखो ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। पापा इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी लाडली बेटी आपको बहुत याद करती है। कोमल कहती है, पापा जाने आप अपनी जिद्दी बेटी को छोड़कर क्यों चले गए? आप मुझे बहुत याद आते हैं। कोमल कहती है, बेन चक सेवियरम आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। 2 साल बाद एंडर डायमंड्स अब तरक्की कर चुका है और इस कंपनी का नाम एंडर डायमंड्स से बदल के एंडर स्टार हो चुका है। आलिया यहाँ पर अपनी कमर मटका मटका कर जा रही होती है। तब उसे कहते हैं, हेलो आलिया मैम, आलिया मैम आप कैसी हैं? और आपको आगे पता लगेगा कि आलिया की पार्टनर कौन है। यस यस नन अदर देन यिल्दिज। और यिल्दिज संजीदा बैठी भी अपना काम कर रही होती है। यिल्दिज ये अपनी शर्ट देखती है, उसको याद आता है कि 2 साल पहले इस पे दाग लग गया था और आप देखो ये दाग से बिल्कुल साफ शर्ट है। और दिखाते हैं कि आलिया आती है बड़ी खुश, कहती है यिल्दिज 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 यिल्दिज, पता नहीं कितनी बार कह देती है ये। यिल्दिज कहती है, क्या हुआ आलिया, पागल तो नहीं हो गई? आलिया कहती है, यिल्दिज 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 देखो तो सही, हमारी कंपनी 2 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। हम लोग इटली मिलानो और पता नहीं कहां कहां पर हम लोगों ने अपने स्टोर्स खोल चुके हैं। आलिया कहती है, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ये सुनकर। यिल्दिज कहती है, मैं अभी तक भूल नहीं सकी जो 2 साल पहले मेरे साथ हुआ है। आलिया को गुस्सा आता, वो कहती है, यिल्दिज सिर्फ तुम ही नहीं गुजरी बुरे वक्त से, हम भी गुजरे, हमने भी बहुत फील किया इस चीज़ को कि तुम मरे हुए के साथ मर तो नहीं सकती हो ना, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, जिंदगी की तरफ वापस आओ। आलिया कहती है, क्या तुम्हें पता हम लोग मिलाना जा रहे हैं, बस तुम तैयारी शुरू कर दो, हम कल ही जा रहे हैं, हम वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे, फ्लर्टिंग करेंगे और हर चीज़ का मजा लेंगे। यिल्दिज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, वो बिल्कुल संजीदा बैठी होती है। यिल्दिज तुम वहाँ जाके खुश हो जाओगी, अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करो, तुम वहाँ पर जाके राख से दोबारा पैदा हो जाओगी। यिल्दिज कहती है, चलो ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पर कितने दिन रहेंगे? आलिया कहती है, वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो, बस तुम वहाँ पर जाने की तैयारी करो। यिल्दिज कहती है, वैसे आलिया एक बात तो बताओ, हमारा वहाँ पर जाने का प्लान इसलिए है ना क्योंकि कोमल तुम्हारी बात नहीं सुनी और अपनी बेटी का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं रखा, यानी उसमें एंदोष है और तुम्हें और क्या चाहिए, यानी उसमें एंदो है, तुम्हारा नाम आर से शुरू होता है। आलिया कहती है, उफ मुझे याद मत दिलाओ, मैंने उसको कहा था कि मेरे नाम पर रखे क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्राइट इंसान हूँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, पर खैर क्या कर सकते हैं, छोड़ो, बस इतना काफ़ी है कि मेरी जो नाइस है यानी मेरी जो भांजी है वो बिल्कुल खूबसूरत है और बिल्कुल मेरे जैसी है, और मुझे और क्या चाहिए। हाँ जी, तो फिर हम यहाँ पर आ गए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कौन रहता है? जैनब और अता। जैनब और अता की भी शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है। यहाँ पर ये लोग आसमा और सादिक से फेस टाइम कर रहे होते हैं। आसमा इन लोगों को बहुत प्यार दे रही होती है, पीछे से सादिक बार बार बोल रहा था, इसको तुम ऐसे मत हिलाओ, इसको तुम ऐसे मत करो, बार बार अता को कह रहा होता कि तुम अपनी बेटी के साथ ये ना करो वो ना करो, यानी उसके अंदर से जो वो नैनी है ना वो बार बार निकल के आ रही होती है बाहर। सादिक अपनी बीवी अलिफ के साथ कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहा है। अब आसमा से पूछती है यिल्दिज के बारे में कि वो क्या कर रही है आजकल। आसमा कहती है, पहले वो अमीरों वाली जिंदगी गुजारती थी लेकिन फिर उसने घर से काम करना शुरू किया और अब घर ही नहीं आती, सिर्फ काम ही करती रहती है। यिल्दिज के लिए बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आती उसके साथ क्या करूँ, यिल्दिज बेचारी और कर भी तो क्या सकती है अम्मी, जाहिर अपना माइंड डिवर्ट करने के लिए वो काम ही करेगी। फोन बंद होने के बाद आसमा कहती है, मैं यिल्दिज के लिए बहुत परेशान हूँ, काश वो दोबारा से अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू कर दे। यिल्दिज कहती है, खानदान को देखो अमीर लड़कों में फंसी हुई है, वो भी यंग यंग। यिल्दिज कहती है, क्या तुमने उसको हमारी ट्रिप के बारे में तो नहीं बताया, ये ना हो हर काम छोड़ छाड़ के हमारे पीछे आ जाए ट्रिप में। आलिया कहती है, हम भी मिलानो जाकर यही सब कुछ करेंगे। यिल्दिज कहती है, आलिया मेरी जान खानदान के साथ रह कर तुमने बिल्कुल खानदान जैसा असर हो गया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे इंतजाम करके रखे हुए हैं, तुम बस देखती रहना, ओके बाय बाय। और अगले दिन दिखाते हैं कि आलिया यिल्दिज के लिए, आलिया यिल्दिज के लिए एक सरप्राइज लेके आई होती है। यिल्दिज जब आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, एक लिमोज़ीन होती है जो उनको एयरपोर्ट लेके जाएगी। यिल्दिज कहती है, अई आलिया ये तुमने कब किया? ये कहती है, ये तो अभी शुरुआत है, देखना आगे के होता है क्या। आलिया कहती है, हम चीयर्स किस लिए करें? यिल्दिज कहती है, हमारी सक्सेस के लिए। आलिया कहती है, हमारी और आने वाली सक्सेस के लिए भी। और यहाँ पर मिलानो पहुंच चुके हैं। यिल्दिज और आलिया यहाँ पर डिनर करने आए होते हैं। आलिया यिल्दिज को कहती है, यिल्दिज थोड़ा एनर्जेटिक फील कराओ अपने आपको, अरे तुम इतनी बुरी शक्ल बनाकर क्यों बैठी हुई हो यहाँ पर? इतने में दिखाते हैं आलिया की नजरें पड़ती हैं इन लड़कों पे, सॉरी एक लड़का और एक आदमी पे। यिल्दिज कहती है, वाह ये तो बहुत हैंडसम है, क्या फ़ायदा, मैं तो फ्लर्टिंग करना बिल्कुल भूल गई हूँ। वो लड़के भी इनको लाइन मार रहे होते हैं, यानी इनको देखे हाई करते हैं। यिल्दिज कहती है, आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, रूट रूट। आलिया कहती है, रूट नहीं पागल, वो तुम्हें हाई कर रहे हैं। यिल्दिज कहती है, आलिया तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे नहीं आती फ्लर्टिंग, यानी तुम पागल होगी इनको देखकर। आलिया कहती है, यिल्दिज अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, ये मुझे देखे क्यों जा रहा है, हाय मुझे क्यों देख रहा है, आलिया से पूछती है। आलिया कहती है, हम खूबसूरत लड़की हैं, हमें नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे ये। यिल्दिज कहती है, उफ जो करना है करो, मुझे मत फंसाओ इस चीज़ों में। आलिया उनको ड्रिंक दिखाती है, यानी उनको इशारा करती है हमारे टेबल पे आने का। ये दोनों वेले आदमी भी आलिया के इशारे पे उठ के आ जाते हैं। वो आलिया से पूछते हैं, हम यहाँ पर बैठ सकते हैं? आलिया ने तो खानदान की जगह संभाली है। वो उनको कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं बैठे बैठे। यिल्दिज थोड़ा घबरा रही होती है। लड़का यिल्दिज से कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। यिल्दिज कहती है, ओ थैंक यू। आलिया इस आदमी से कहती है, नाइस टू मीट यू।
और वो दोनों हंस के हाथ मिलाना शुरू हो जाते हैं। ये तो बहुत ही कोई तरसी भी औरत लग रही है, बिल्कुल खानदान की सीट संभाली हुई है इसने, लगता है खानदान की रूह इसमें आ गई है। और यहाँ डायरेक्ट दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और आलिया चीखती भी आती है, यल्दीज यल्दीज हमारी सारी चीजें गायब हो गई हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हमने कल जो शॉपिंग की थी सारी इतनी महंगी सब गायब है, कुछ भी नहीं है। दोनों कबर्ड में जाते हैं और दिखाते हैं कि कुछ नहीं होता वहाँ पर। आलिया कहती है लगता है ये उन दो आदमियों का काम है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया कब और कैसे किया। और फिर दिखाते हैं फ्लैशबैक, ये लोग ड्रिंक्स पी रहे होते हैं उन लड़कों के साथ और मजे कर रहे होते हैं। ये लड़का इस आदमी को इशारा करता है तो ये आदमी जल्दी से आलिया को कहीं और ले जाता है, वो बातों बातों में इन लेडीज को बाहर लेके आता है। पीछे से दिखाते हैं कि वो लड़का आलिया के बैग से की निकालता है और वो की लेकर वहां से चला जाता है। और इन लोगों को कुछ खबर नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये यिल्दिज़ को बेवकूफ कहती रहती है पूरा सीजन, किन खुद ही बेवकूफ बन गई है, जबकि यिल्दिज़ ने उसको पहले मना भी किया होता है। यिल्दिज़ कहती है उफ देखा मैंने मना भी किया था, मत करो ऐसी हरकतें, देखो हम क्या करेंगे, हम तो लुट गए बर्बाद हो गए, हमारा इतना महंगा सामान चला गया हमारे हाथों से। ये कहती है इन बातों को छोड़ो, चलो जाके इसकी रिपोर्ट करते हैं। ये लोग बहुत खुश होकर गए होते हैं और दो दिन में ही वापस आ गए। रिपोर्ट से बाहर निकलकर यिल्दिज़ और आलिया का मूड बिल्कुल ऑफ होता है। आलिया कहती है आखिर हम इन छोटे मोटे चोरों के हाथों कैसे फंस सकते हैं, यानी मुझ जैसी होशियार औरत भी इनके हाथों फंस गई कैसे। मैं किसी को भी अपने हाथों से फंसा सकती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं फंसा सकता। उन लोगों ने मुझे ढूंढा यानी हमें ढूंढा, उसके बाद हम लोग को कहीं लेकर गए, मेरे बैग से कीज निकाली और हम लोगों के शॉपिंग बैग्स भी चुरा लिए, आखिर क्या मेरे चेहरे पे स्टूपिड लिखा हुआ है जो मुझे देखकर वो फंसा सकते हैं। यिल्दिज़ कहती है आलिया मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं है, हमें देखकर कोई भी बता सकता है कि हम लोग कितने रिच हैं, इसी वजह से उन लोगों ने हमें अप्रोच किया, वरना हमें क्यों अप्रोच करते वो लोग। मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि हमारे शॉपिंग बैग आखिर कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे और तुम यहाँ पर बैठ के क्या सोच रही हो, यानी एक स्कॉर्पियन के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, तुम तो हर बार कॉम्पिटिशन में रहती हो। आलिया कहती है नो नो नो, मैं अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूल सकती, मैं इस मुल्क का सबसे काबिल बैचलर ढूंढूंगी। यिल्दिज़ कहती है अब ये एलिजिबल बैचलर कहाँ से आ गया और तुम क्या करोगे उसको ढूंढकर। क्या कहती है अगर तुमने मेरे साथ नहीं आना तो तुम मत आओ, तुम जाके अपने घर में बैठो अपनी माँ के साथ सेब छिलो, ये काम खुद कर लूंगी। यिल्दिज़ कहती है नहीं, जहाँ तुम होगी वहाँ मैं आऊंगी, जहाँ तुम नहीं होगी वहाँ मैं नहीं आऊंगी, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी। आते आलिया दिल ही दिल में हंसती है, यानी उसको भी कोई चाहिए जो उसके साथ साथ चले। और यहाँ पर दिखाते हैं कुंवर ने एक एलिजिबल बैचलर ढूंढ लिया है, वो आलिया को उसकी सारी डिटेल बताता है, ये भी कहता है कि मेरे बच्ची और मेरे बीवी मेरा वेट कर रहे हैं इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना, वापस उनके पास जाना है। और कहता है एक लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन वो उसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी माँ उस लड़की को अप्रूव नहीं कर रही है, इसलिए वो लड़की उसकी माँ से बहुत नफरत करती है, इसलिए वो लड़की अब अपनी माँ से उस लड़के की माँ की बुराइयां करती है। क्या कहती है अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल अप्रूव ना करती उस लड़की को। कहती है अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो मैं भी जरूर बुराइयां करती उसकी माँ की। आलिया कहती है ठीक है मेरी जान कुंवर आप तुम अपने घर जा सकते हो। यिल्दिज़ कहती है बिल्कुल ठीक तुमने लोग ढूंढे हैं, हम इनकी मदद करनी चाहिए हम लोगों को। और कहता है चलो ठीक है मैं अपने घोंसले में वापस जा रहा हूँ यानी अपने घर वापस जा रहा हूँ। यिल्दिज़ आलिया भी उठ जाते हैं अपने मिशन पर जाने के लिए। ओके तो लास्ट एपिसोड में यिल्दिज़ सू और हाली जान अपग्रेड हो गए हैं, इसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन पुराने वाला हाली जान ज्यादा प्यारा था। खैर आसमा यहाँ पर इन लोगों को पढ़ा रही होती है, पढ़ाने के बाद वो जब जा रही होती है तो दिखाते हैं कि बेल बजती है, आसमा दरवाजा खोलती है, दिखाते हैं कि सामने एक बुड्ढा होता है यानी एक आदमी होता है, ये शादी का रिश्तेदार है, शादी तो वेकेशन पे गया हुआ अपनी बीवी के साथ। आदमी आता है और आसमा से कहता है कि मैं शादी का कजन हूँ और ये चीजें शादी के लिए हैं, मैं शादी का दाना वाला कजन हूँ, ये चीजें शादी को पहुंचा देना। शादी अपना नाम बताता है, कहता है कि आप कैसी हैं, जरा इंटरेस्टेड नहीं होती इस आदमी के अंदर, वो बार बार उसको हल्के हल्के से जवाब दे रही होती है, दरवाजे से हट ही नहीं रहा होता, वो बार बार आसमा से बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। आसमा से कहती है चलो ठीक है मैं दे दूंगी शादी को जब वो आएगा, वो कहता है मैंने आपको अपना इतना सारा तारुफ करा दिया लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना तारुफ नहीं कराया कि आपका नाम क्या आप क्या क्या करती। आप ये लोग अपने मिशन पर आ चुके हैं, सामने ही इन लोगों को अपना टारगेट नजर आता है, ये लोग इनके बिल्कुल करीब वाली सीट में जाके बैठ जाते हैं, उन लोगों को देख ही रहे होते हैं, उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं आलिया और यिल्दिज़। इतने में ही आलिया अपना फर्स्ट मूव करती है, उनसे बात करती है, वो कहती है हेलो आप लोग कैसे हैं, मुझे लड़के को कहती है मुझे आप देखे देखे लग रहे हैं शायद मैंने आपको कहीं पर देखा है। लड़का कहता है मुझे नहीं बल्कि आप मेरी गर्लफ्रेंड को जानते होंगे क्योंकि मिस तुर्की रह चुकी है। यिल्दिज़ कहती है ओ तुम्हारा नाम बिरजे तो नहीं है, मैं तुम्हें टीवी में देखा था। लड़की कहती है हाँ मैं वही हूँ। आलिया कहती है तुम लोगों की जोड़ी बहुत प्यारी है, तुम लोग साथ बहुत अच्छे लगते हो। वो लड़का कहता है हम लोगों के रिलेशन को 7 साल हो गए हैं। कहती है ओ वाह तो तुम लोग शादी के बारे में सोच रहे होगे। लड़की कहती है हाँ बिल्कुल हम लोग सोच रहे हैं शादी के बारे में। दिखाते हैं कि लड़के का मुंह बन जाता है और वो कहता है हम लोग ऐसे ही खुश हैं। आलिया कहती है यिल्दिज़ हमने सही जगह पर निशाना मारा है, अब हम आगे अपना काम कर सकते हैं। यिल्दिज़ कहती है ब्रावो आलिया ब्रावो। आलिया कहती है हाँ शादी एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत मुश्किल भी, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। हाँ शादी एक बहुत बड़ा फैसला लेकिन हम लोग ऐसे ही खुश हैं। फिर से कहती है हाँ लेकिन निकाह बहुत ज़रूरी होता है किसी फैमिली को शुरू करने के लिए।
बुरा कहता है, मेरी जान जिंदगी में क्या तुम्हें बताना जरूरी है क्या ठीक है क्या नहीं बच्चा पैदा करने के लिए। जल्दी हिस्सा डालती है और कहती है, मेरी शादियां बहुत ज्यादा हुई हुई हैं, मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता कि शादी का मतलब क्या होता है। मेरी शादी करने के बाद मैं ये बात जरूर बता सकती हूँ कि मेरी स्किन मार्बल जैसी और इतनी साफ सुथरी क्यों है, क्योंकि एक भी मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं था जिसने मुझे कभी खुशी दी हो, इसकी वजह से मेरे चेहरे पे एक भी रिंकल नहीं है। प्रीति कहती है, मैं तुम्हारी इतना नहीं सोचती, मुझे लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई सोलमेट जरूर होता है। फिर आलिया कहती है, ये सेप्सियो सेक्सुअल है, नाम इतनी मुश्किल से लिया जा रहा है। कहती है, क्या क्या चीज? आलिया कहती है, सेप्सियो सेक्सुअल, यानी वो किसी को चूज करने से पहले ह्यूमन इंटेलेक्ट को देती है, यानी इंसानी अकल को। यहाँ दिखाते हैं कि बिरजे को अपनी दोस्त आती हुई नजर आती है, वो उठ के जाती है उसे मिलने के लिए, और आलिया और यल्दिज इसी बार का तो इंतजार कर रहे थे। कि जाती आलिया अपनी सीट आगे करती है, उसे कहती है, मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, एक पार्टी में उनसे मिली थी, वो बहुत अच्छी खातून है। बुरा कहता है, हाँ मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है। आलिया कहती है कि लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही वो तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद करती है। तो मुझे इन चीज़ों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, देख कर बता सकती हूँ कि औरत तुम्हारे पैसों के पीछे। यल्दिज कहती है, ये औरत देख के बता सकती है तुम्हें, ये कुछ गलत नहीं कह रही, इसकी बातों पर यकीन करो। आलिया कहती है, क्या तुमने कभी ऐसा किया कि तुम जाओ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा मोबाइल चेक कर रही हो? यानी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स ऐसा शो कराती हैं कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के पासवर्ड का नहीं पता, लेकिन अगर पता होगा भी तो तुम्हें शो नहीं कभी कराएंगी। राग कहता है, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही कभी उसने ऐसा कुछ किया है। आलिया कहती है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने के बाद वो क्या करती है और क्या नहीं करती है? क्या तुमने उसका मोबाइल कभी चेक किया कि वो क्या करती है तुम्हारे पीठ पीछे, इससे बात करती है, क्या बात करती है, तुम्हारे माँ के बारे में क्या बात करती है, क्या तुमने कभी चेक किया है? कहता है, मुझे उसके सब अकाउंट्स का पता है और मोबाइल फोन का भी, यहाँ तक कि उसके सारे अकाउंट बैलेंस मैं हैंडल करता हूँ। आलिया कहती है, वो आने वाली है, इससे पहले कि वो आए तुम चेक करना चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारी माँ के बारे में क्या बातें करती है। राग एकदम घबरा जाता है और वो घबराहट में उसका मोबाइल ऑन करता है, फोन खोल के वो मैसेज चेक करता है तो उसकी माँ के बारे में सौ बुराइयां होती है, वो घटिया औरत, वो मुझे बसने नहीं देगी, वो लड़के को काबू करके रखा हुआ है उसने, मैं बुरा को हैंडल करके सारा कुछ हत्या लूंगी और क्वीन बन जाऊंगी उसके घर की। ये सब मैसेजेस बुराक उसके मोबाइल में पड़ता है। आलिया कहती है, देखा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये कुछ ना कुछ कर रही है। ऐसी बिरजा आती है, बुराक उसको फोन दिखाता है, तुम मेरे पीठ पीछे कैसी बातें करती हो मेरी माँ के बारे में, हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने की? बिरजे को गुस्सा आता है, वो कहती है, मेरा मोबाइल चेक करे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल चेक करने की? बिरजा कहती है, इन लोगों ने तुम्हें भड़काया ना कि तुम मेरा मोबाइल चेक करो, तुम लोगों ने इसको भड़काया ना, बताओ मुझे। आलिया कहती है, नो नो नो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से खुद देखी है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। बुराक कहते हैं, दफा जो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आलिया और यल्दिज का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, दिखाते हैं कि बिरजे जाते जाते वापस सकती है। बिरजे कहती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को ढूंढ के तुम लोग से बदला लेकर ही रहूंगी मैं, लोग जानते नहीं तुम लोगों ने किससे पंगा लिया। प्लीज कहती है, फिनाले वीक चल रहा है, तुम कहाँ पकड़ोगी हमें? हाँ हाँ हाँ। बुराक यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता है कि अगर आप लोग ना होते तो मैं कभी सच्चाई ना जान सकता। आलिया कहती है, देख लो मुझे सिर्फ उसकी शक्ल देख के पता लग गया था कि औरत कैसी है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके, होप तुम जिंदगी में अच्छे काम करो और हमेशा खुश रहो। आलिया और यल्दिज अपना प्लान सक्सेसफुल होने के बाद इशारे करते हैं एक दूसरे को, और इतने में ये एपिसोड खत्म। ओके बाय बाय।